नमस्कार, आपका मेरे चैनल स्वाद की टोकरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मात्र 10 मिनट में बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस खीर बनाना बताऊंगी। इस खीर को मैं सूजी से तैयार करूंगी। सूजी की खीर खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। बस इसे बनाते वक्त कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाएंगे तो खीर बहुत ही अच्छी और क्रीमी बनकर तैयार होगी। देख रहे होंगे हमारी खीर कितनी अच्छी बनी है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपकी भी खीर अच्छी बने। तो चलिए, रेसिपी शुरू करने से पहले, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये गैस पर हमने सबसे पहले एक बर्तन रखा है। इसमें मैं ले रही हूँ दूध। ये फुल क्रीम दूध है, 750 ml दूध, यानी एक लीटर में 250 ml दूध मैंने कम लिया है। ये उबला हुआ दूध है, इसे मैं दोबारा उबाल रही हूँ। ये कच्चा दूध नहीं है और इसे हम 5 मिनट तक उबाल कर लेंगे। अब मैं कढ़ाई में एक टीस्पून घी ले लिया है मैंने, और मैं ये सूजी ले रही हूँ यानी रवा, इससे मैं खीर बनाकर तैयार करूँगी। और इसे इस सूजी को मैं इसी चम्मच से नाप कर ले रही हूँ। ये सूजी मैं पूरे 6 चम्मच ले रही हूँ। इतने दूध के लिए 6 चम्मच काफ़ी है। और इस सूजी को मैं लो फ्लेम पे गोल्डन कलर होने तक भूनकर तैयार करूँगी। अब मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लूँगी। ध्यान रखें, गैस का फ्लेम लो रखें और कंटिन्यू चलाते हुए आप इसे भूनें। अगर गैस का फ्लेम आप तेज कर देंगे तो आपकी सूजी जल जाएगी और खीर आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए इसे लो फ्लेम पर भूनते रहें कंटिन्यू चलाते हुए। यहाँ पर अगर आप घी थोड़ा ज़्यादा डालना चाहें तो घी भी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ एक टीस्पून ही घी लिया है। अब इसे हम कलर चेंज होने तक भून लेंगे। ये हमारी सूजी का कलर गोल्डन हो गया है। अब इसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका कलर अच्छा चेंज हो गया है। गोल्डन भूनने से ये होगा कि आप जब खीर बनाएंगे तो खीर आपकी बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद नहीं बनेगी। और ये मेरा दूध, मैंने इसे 5 मिनट तक और उबाल लिया है ताकि खीर हमारी क्रीमी बनकर तैयार हो। ये भुनी हुई सूजी को हम उबलते हुए दूध में धीरे से डाल देंगे और इसे कंटिन्यू चलाएंगे। और खीर को भी हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। गैस का फ्लेम तेज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी खीर अच्छी नहीं बनेगी। लो फ्लेम पे खीर बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगी। और सूजी बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाती है। ये बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाएगी, 7-8 मिनट में तैयार हो जाती है। ये देख रहे होंगे हमारी सूजी फूल गई है। अब 7-8 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें आखिरी स्टेज पे इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। और ये चीनी, चीनी मैंने जितनी सूजी ली थी उतनी ही चीनी ली है। आप टेस्ट के अनुसार चीनी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और मैंने कुछ बादाम के टुकड़े लिए हैं। आप यहाँ ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं और बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। और अगर बहुत बहुत छोटे बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो इसको प्लेन बनाएं, ये छोटे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। आप छोटे बच्चों को भी इसे आराम से खिला सकते हैं। और ये खीर बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। आपको अगर खीर खाने का मन हो और टाइम नहीं हो तो फटाफट ये खीर बनाइए और खाइए। और इसको ध्यान बहुत ही ध्यान से बनाइए। सूजी भूनते वक्त इसे इस गैस का फ्लेम लो रखें और गोल्डन होने तक भून लें। और जब आप खीर बना रहे हो, दूध अच्छे से उबाल लें। 5 से 7 मिनट तक दूध को अच्छे से उबाल लेने के बाद ही सूजी इसमें डालें। और सूजी को भी डालने के बाद खीर को लो फ्लेम पे पका लें। फिर आपकी देखिए क्रीमी आपकी भी खीर तैयार होगी। यह हमारी खीर तैयार हो गई है। देखिए कितनी क्रीमी बनकर तैयार हुई है। और यह ठंडा होने पर और भी गाढ़ी हो जाती है। ये हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है। आप भी इस खीर को बनाइए, खाइए, ठंडा गर्म जिस तरह से भी पसंद हो।
तो बताइए आपको मेरी खीर की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।